हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर वन नोइंग आर नंबर्स में आज हम करने जा रहे हैं टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। उसके लिए हमें क्या रूल फॉलो करने होंगे, एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल फाइव, एस्टिमेट 5290 प्लस 17986। अब यहाँ देख रहे हैं आप, फोर डिजिट हैं और यहाँ पे फाइव डिजिट्स हैं। इट मीन्स ये नंबर आपका ग्रेटर है, यानी कि 17,986 इज ग्रेटर देन 5,290, क्योंकि इसमें डिजिट्स कम है और इसमें डिजिट्स ज़्यादा हैं। तो जो नंबर हमारा कम डिजिट्स वाला होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसमें राउंडेड ऑफ करना होता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम यही रूल फॉलो करते हैं, राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स करेंगे। थाउजेंड्स क्यों करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर छोटा है उसमें थाउजेंड्स प्लेस तक ही डिजिट्स हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड प्लेस तक ही डिजिट हैं, इसीलिए हमें इसमें राउंडेड अप टू थाउजेंड्स तक करना पड़ेगा। अब इसमें देख लीजिए, फर्स्ट आपने लिया है 17986, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं क्योंकि इसका नंबर बड़ा होगा, इसलिए हम इसको पहले ले लेते हैं। 179876 में आप देखिए थाउजेंड प्लेस पे क्या है, सेवन। इसके राइट में देखना है हमें, राइट में नंबर 5 से ग्रेटर है, इट मीन्स वी हैव टू ऐड 1 टू दिस प्लेस। सो 1 और यहाँ पे आपका 7 प्लस 1 8, यानी कि आपका राउंडेड ऑफ करने के बाद आ जाएगा 18,000। बाकी डिजिट्स को हमें 0 रखना होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 1 8 एंड 0 0 0। इसके बाद हम इसको राउंडेड ऑफ कर लेते हैं, 5290 राउंड्स ऑफ टू। अब इसमें भी थाउजेंड के लिए करना है, तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड पे आप देख रहे हैं फाइव। अब फाइव के राइट में देखिए नंबर है छोटा, फाइव से कम है, तो हमें ये नंबर एज इट इज रखना है, यानी कि फाइव एज इट इज रखेंगे, बाकी के डिजिट जीरो हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे हो गया 5000। नाउ एस्टिमेटेड सम, यहाँ पे हम सम नहीं लिखेंगे, एस्टिमेटेड सम करेंगे, क्योंकि हम एस्टिमेट राउंड ऑफ कर रहे हैं इसीलिए। अब इनको ऐड कर दीजिए, ये सारा ऐड हो जाएगा तो 23,000 आ जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्शन देखते हैं, एग्जांपल 6 में, टू गेट अ क्लोजर एस्टिमेट लेट अस ट्राई राउंडिंग ईच नंबर टू हंड्रेड्स। अब यहाँ पे अब देख लेते हैं, थाउजेंड्स प्लेस पे ये थाउजेंड्स हैं, इसमें डिजिट्स वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड्स तक जा रहा है और यहाँ पे हमें जा रहा है हंड्रेड्स, ये लेस नंबर है। यहाँ आप देख लेते हैं 5673 इज ग्रेटर देन 436, तो इसमें कम डिजिट्स हैं, छोटा नंबर है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही राउंडेड ऑफ करना है। इसमें हमारा हंड्रेड प्लेस हाईएस्ट प्लेस है, इसीलिए हमें इसमें राउंडेड ऑफ टू हंड्रेड्स जाना है। 5673 का राउंड ऑफ करते हैं हंड्रेड्स के लिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, हंड्रेड पे सिक्स है। इसके राइट में जाके देखिए, फाइव से ग्रेटर नंबर है, इट मीन्स यहाँ पे हमें क्या कर देना है, सेवन प्लस वन कर देना है, 5700। सो दिस इज द राउंडेड ऑफ नंबर। नाउ 436 के लिए हंड्रेड प्लेस पे फोर है, इसके राइट में देखिए फाइव से लेस नंबर है, तो हमें फोर को एज इट इज रखना है, फोर एज इट इज आ गया और बाकी दो डिजिट्स की जगह पे जीरो हो गया, सो इट बिकम्स 400। नाउ सब्ट्रैक्ट करना है आपको, इसमें डिफरेंस लेना है, इट मींस एस्टिमेटेड डिफरेंस, वी हैव टू राइट एस्टिमेटेड डिफरेंस। नाउ 0 0 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 माइनस 4 3, और ये दिस इज 5। सो दिस इज द एस्टिमेटेड डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट इज टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स। अब हमें करना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए देख लेते हैं सबसे पहले क्या करना होता है, किस रूल को फॉलो करना है हमें। द जनरल रूल दैट वी मेक इज, यहाँ पे आपको एक जनरल रूल याद करना है, इसे यूज करना है। देयरफॉर राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस, जो भी हमें कोई भी नंबर दिया होता है उसके ग्रेटेस्ट प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है। देन मल्टीप्लाई द राउंडेड ऑफ फैक्टर्स, और राउंडेड ऑफ फैक्टर्स जब निकल आएंगे, नंबर्स निकल आएंगे, उनको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। देखते हैं इसे रूल को हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं हम, फर्स्ट ए पार्ट देखते हैं, इस रूल को फॉलो करते हुए जनरल रूल लगाना होता है हमें जब प्रोडक्ट एस्टिमेट करना होता है। ए पार्ट देखते हैं हम, 87 मल्टीप्लाई बाई 313 को अगर हमें
करना है राउंडेड ऑफ, तो हम हंड्रेड्स प्लेस तक करेंगे और 87 को हम राउंडेड ऑफ करेंगे टेंस प्लेस तक, जो मैक्सिमम डिजिट जहां तक है। अब यहां पे देख लेते हैं, सबसे पहले सम एंड डिफरेंस में हमें अलग तरह से रूल चलाना है और यहां पे जनरल रूल फॉलो होगा। जितना डिफरेंस यहां पे देखना है कि जितना हमारे पास डिजिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसे राउंडेड ऑफ करना है। तो यहाँ पे डिजिट्स कितने हैं हमारे, टेंस, तो हम टेंस प्लेस का राउंडेड ऑफ करेंगे। टेंस प्लेस पे आपका है 8, अब 8 को आपको राउंडेड ऑफ करना है, तो 8 के राइट साइड में देखना है ये 5 से ग्रेटर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 8 में प्लस 1 कर देंगे, दैट इज़ 9, और ये 0 हो जाएगा। इसमें हमें हंड्रेड्स प्लेस तक जाना है, हंड्रेड्स प्लेस का हमें राउंडेड ऑफ करना है वंस टेंस एंड हंड्रेड। हंड्रेड पे हमारा है 3 और 3 के राइट में है 1, यानी कि 5 से लेस। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 एज इट इज रखना है, 3 और बाकी के डिजिट 0। नाउ इट बिकम्स 9 3s are 27 एंड 3 0s 2 एंड प्लस 1 3 0s। इसी के अकॉर्डिंग अब बी पार्ट ले लेते हैं, इसमें भी वही जनरल रूल लगाना है हमें, 9 multiply by 7 9 5। अब यहाँ देखिए 9 ये आपको वंस प्लेस का नज़र आ रहा है, अगर आप यहाँ पे 0 लगा देंगे तो वंस प्लेस का ही आपका ये नंबर है। अगर टेंस प्लेस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो भी आपका ये नंबर ग्रेटर है और आपको यहाँ पे प्लस 1 कर देना है, तो 1 यहाँ पे हो गया और देन 0, 9 की जगह आपको 0 यूज़ कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे ये हंड्रेड्स प्लेस तक जाएगा, तो हंड्रेड्स प्लेस के लिए हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे आपको 8 लिखना होगा, 8 0 0, देन इट बिकम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 देन 2 3 0s। आपको राउंड ऑफ जो फैक्टर्स आते हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है, ये रूल है आपका। उसके बाद सी पार्ट, सी पार्ट में 8 9 8 multiply by 7 8 5। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों ही जो हमारे फैक्टर्स हैं या कहे नंबर्स हैं उनमें वंस टेंस हंड्रेड तक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इट मीन्स आपको राउंडेड ऑफ हंड्रेड्स तक ही करना है, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ देख लेते हैं, 9 है इसके राइट में, तो ये ग्रेटर देन 5 है, सो वी हैव टू ऐड 1 टू इट, सो 8 plus 1 दैट इज 9, और ये दोनों 0। इसके बाद यहाँ पर भी वही होगा, ये ग्रेटर देन है 5, तो हमें यहाँ ऐड करना है, 8 हो गया और 0 0। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू फैक्टर्स, 9 8s are 72, नाउ 2 and 2 यानी कि 4 0s। इसी तरह से हमें डी पार्ट भी सॉल्व कर देना है, 9 5 8 multiply by 3 8 7, यानी कि अब आपको दोनों में दिखाई दे रहे हैं 3 3 डिजिट्स से, यानी हंड्रेड्स प्लेस तक राउंड ऑफ करना है दोनों को ही। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 9 9 plus 1 10 10 हो जाएगा, यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस के लिए 10 यूज़ किया, बाकी 2 0s यूज़ कर दिए इनकी जगह पे, और फिर यहाँ पे 3 के लिए देखना है, तो 3 का राउंडेड ऑफ करना है हमें, यहाँ पे राइट में आपके 5 से ग्रेटर डिजिट नंबर है, तो आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पे प्लस 1 करना है, 4 और 2 डिजिट्स इनके प्लेस पे, दैट इज़ इक्वल टू 4 1s are 4 एंड हाउ मैनी 0s 2 3 4 and 5 5 0s, ये आपके 5 0s हो गए। इसी तरीके से हमें प्रोडक्ट करना होता है जनरल रूल को यूज़ करते हुए। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइंडस्टोन।